नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, हरिओम। मित्रों, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने वो याचिका रद्द कर दी थी कि हार्पल कॉलिन नाम के जो प्रकाशन ने जो बुक पब्लिश की थी उसको प्रकाशन से रोक लगा दी थी पहले तो, लेकिन बाद में अंतरिम रोक को हटा लिया गया। तो उसके विरुद्ध हमारे लोग शिल्पी गुप्ता यानी संचिता गुप्ता, उनकी वकील सुप्रीम कोर्ट गए तो, और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, अगर आपकी कुछ दलीलें छूट गई हैं तो पहले आप हाई कोर्ट में दीजिए, बाद में यहाँ आना, आप इसको वापस ले लीजिए। तो ऐसी न्यूज़ हमने सुनी थी, तो मैं इसको अपडेट देना चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए कोई भी मेरिसी नहीं दिखाई है और उन्होंने कहा है कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछले 7-8 सालों से ये केस चल रहा है और अभी तक भी इसमें अपील जो हाई कोर्ट में वो पेंडिंग पड़ी है, उस पर डेट नहीं मिल रही है। इस देश में कहते हैं कि सबके लिए नियम कानून होते हैं, लेकिन जो जेल में बंद है और संत है, वृद्ध है, उनके लिए कोई नियम कानून नहीं, कोई मानवाधिकार नहीं। ये बहुत शर्मनाक बात है। हम सभी जो जागरूक लोग हैं, मानवाधिकारियों, भारत का कहाँ गुम हो गया है, जो कि भारत में एक ऐसा नियम बनना चाहिए कि सबके लिए समान कानून हो। कहते हैं कानून ने पट्टी बांध रखी है, लेकिन पट्टी बांध कर ऐसा न्याय दे किसी के साथ अन्याय ना हो। जो सजा पेंडिंग है, लंबित है अपील, कम से कम बेल मिले, इंटरिम बेल मिले, कम से कम पैरोल मिले, पैरोल से कम उनको बाहर आने के, उनका जो राइट है कि साल में कुछ दिनों की पैरोल मिलती है, 15-20 दिन, वो भी नहीं दी गई। तो हम बात कर रहे हैं संत सियासराम जी बापू के केस की, जो कि उनके करोड़ों शिष्य आज भी उनके आस में आस लगाए बैठे हुए हैं कि वो आएंगे। तो हमारे भारत सरकार से यही प्रार्थना है कि आप उन शिष्यों को न्याय दीजिए और जल्द से जल्द इस केस का निस्तारण कीजिए। जय श्री राम, हरिओम, नारायण नारायण नारायण।